नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब आपके साथ, मैं हूं मुस्कान। और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर निधि सिंह। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी IVF स्पेशलिस्ट है मैम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टेस्ट ट्यूब बेबी तो सबसे पहले होता क्या है, इस बारे में आप विस्तार से बताएं। और साथ ही जो भी लोग टेस्ट ट्यूब बेबी करवाना चाहते हैं, इसमें क्या कुछ खर्च आएगा, क्या कुछ एक्सपेंस आएंगे, इस बारे में भी बताएं। जी, टेस्ट ट्यूब बेबी अगर हम आम भाषा में समझें तो फर्टिलाइजेशन का एक एक्स्ट्रा तरीका है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि एक महिला के शरीर के अंदर अंडा और स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज होते हैं और एम्ब्रियो तैयार होता है। जब हम इस प्रक्रिया को बाहर लैब में करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो उसे हमने आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम दिया है। ठीक है, और इसको करने में जो खर्च आता है, डेफिनेटली ये एक खर्चीला इलाज है। इसमें कई हाई पावर के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, फिर अंडे को निकालने की प्रक्रिया की जाती है, कुछ बेहोशी के इंजेक्शंस लगते हैं, फिर उनको फिर IVF लैब में अंडे को और स्पर्म को मिला करके फर्टिलाइजेशन किया जाता है, इक्सी की जाती है, फिर उसे इंक्यूबेटर में रख के एम्ब्रियोज तैयार किए जाते हैं, एम्ब्रियोज को फ्रीज किया जाता है, फिर महिला के गर्भ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया IVF की जो होती है, इसका खर्च लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास आता है। और साथ ही अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी की जैसे बात कर रहे हैं, तो क्या IVF से क्या महिलाओं को ट्विंस भी हो सकता है? देखिए, IVF में हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि हम लोग 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि एटलीस्ट हमें सक्सेस के चांसेस थोड़े बेटर मिलें। 2 में से कोई एक ना एक प्रेगनेंसी जा करके इम्प्लांट हो जाए, और जब लक हमारी साथ देती है, पेशेंट का लक साथ देता है, तो डेफिनेटली 2 के 2 एम्ब्रियोज इम्प्लांट होते हैं। इसीलिए IVF में अक्सर ट्विंस होते हैं। और साथ ही अगर ट्विंस की बात करें, तो क्या उसमें कुछ परेशानी भी आती है? देखिए, ट्विन प्रेगनेंसी डेफिनेटली नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज़्यादा केयर खोजती है। बच्चेदानी वही एक है, उसी में 2 बच्चे पल रहे होते हैं, तो महिला को अपनी न्यूट्रिशन से लेके प्रॉपर रेस्ट का, प्रॉपर केयर का, हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। ट्विंस के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि अगर सही टाइम पर उनकी डिलीवरी ना हो, तो बच्चे की ग्रोथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है। कोई एक बच्चा ज़्यादा बढ़ने लगता है, एक कम बढ़ता है। ऐसे कंडीशंस में डिलीवरी समय से पहले भी हो सकती है, और बच्चों को NICU केयर, यानी कि जो हम कहते हैं कि शीशे में रखना पड़ता है, इसकी भी ज़रूरत होती है। तो ट्विन प्रेगनेंसीज की डिलीवरी हमेशा सही हाथों में होनी चाहिए, सही सेटअप में होनी चाहिए, जहाँ पर बच्चे के लिए खास तौर पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और साथ ही मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि अगर हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी की अगर बात करें, और साथ ही एक तरफ अगर हम IVF की बात करें, तो क्या IVF में भी ऐसा कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं? जी बिल्कुल, IVF में भी एक्टोपिक के इंसिडेंट्स हैं, पर ये सब बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपकी ट्रांसफ़र की टेक्निक कैसी है, आपके डॉक्टर की स्किल कैसी है। सही जगह पर किया गया ट्रांसफ़र में एक्टोपिक इंसिडेंट्स बहुत कम होता है। दूसरा, अगर महिला के यूट्रस में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिससे उसकी मोटिलिटी बहुत फ़र्क पड़ रही हो, यूट्रस में ही कोई ऐसी बनावट में बहुत ज़्यादा बिगाड़ है, या फिर यूट्रस की मल्टीपल सर्जरीज हो चुकी हो, तो ऐसे कंडीशन में कई बार क्या होता है कि एम्ब्रियो सही जगह इम्प्लांट नहीं होता और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकते हैं। और साथ ही यूट्रस की अगर हम बात करें, तो अगर किसी को यूट्रस कैंसर होता है, तो क्या IVF करवाना सही है या गलत, मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, अगर यूट्रस में कैंसर हो गया, तो उस डिपेंड करेगा कि कैंसर कितने अर्ली स्टेज का है। अगर वो बहुत ही अर्ली स्टेज का है और वो बच्चेदानी की ग्रीवा का कैंसर है, यानी सर्वाइकल कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बहुत मिनिमल सर्जरी ऐसी करते हैं कि सिर्फ हमने जहाँ पर कैंसर था उतना पार्ट हटाया और यूट्रस आपकी पूरी इंटैक्ट रही। आपने उसके बाद जो भी थेरेपी आपको आपके डॉक्टर ने सजेस्ट की, आपने वो कंप्लीट की। अगर वो सारी चीज़ें सही मेंटेन हो गई हैं और आपका यूट्रस अब हेल्दी है, वैस्कुलर है, तो फिर उस यूट्रस में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं और प्रेगनेंसी पॉसिबल है। बट अगर वो एडवांस स्टेज का कैंसर हो चुका है और यूट्रस को ही हमें हटाने की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर वैसे कंडीशंस में प्रेगनेंसी आप उस यूट्रस में नहीं कर पाएंगे। साथ ही अगर IVF की बात करें, तो जब भी प्रेगनेंसी होता है, तो उसके जो शुरू के मतलब लास्ट के जो 1 वीक होते हैं, उसमें ऐसा क्या कुछ है जो महिलाओं को ख्याल रखने की ज़रूरत है अगर कोई IVF से प्रेग्नेंट होता है तो? सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप एक डॉक्टर के केयर में रहें, समय समय पर आप अपने बच्चे की हार्ट बीट चेक कराते रहें, उसकी ग्रोथ चेक कराते रहें, और कुछ भी सिम्टम्स अगर आपको हो रहे हो कि बच्चे की मूवमेंट आपको अच्छी नहीं फील हो रही, थोड़ा भी पानी गिर रहा है, किसी दिन कमर में दर्द महसूस हुआ, तो ये चीज़ें आप अपने डॉक्टर को कम्युनिकेट करें। जब आपको विजिट का टाइम दिया गया हो, उस टाइम ज़रूर डॉक्टर के पास कंसल्टेशन करें, स्कैन्स जो है वो मिस ना करें। और लास्ट के तरफ, जब प्रेगनेंसी के खास करके लास्ट के 2-3 हफ्ते बचे होते हैं, उस टाइम पे सजेस्टेड होता है कि आप मिनिमल लाइट एक्सरसाइजेस करें, बहुत हैवी कोई एक्टिविटी ना करें, कुछ भी भारी चीज़ें ना उठाएं, सेक्सुअल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही हो, आप भी ये समझ पाए होंगे कि IVF में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस है या नहीं, और साथ ही हमने ये भी जाना कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है और साथ ही इसका क्या कुछ खर्च पड़ता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।